संपदः लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद की पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोटापे की। जी हां, जब मोटापा एक हद से बढ़ जाता है तो यह कई बीमारियों की जड़ बन जाता है। मोटापा दरअसल कोई बीमारी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की देन है। इन दिनों लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शरीर में एक बीमारी के अलावा कई बीमारियां घर कर जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में करीब 15 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से ग्रसित हैं। अगले 10 साल में ये संख्या 25 करोड़ तक जा पहुंचेगी। अनियमित दिनचर्या और खान पीन के कारण दिन ब दिन मोटापा लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहा है। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर पर वसा की परतें इतनी मात्रा में जम जाती हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती हैं। मोटापे से बहुत से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बांझपन आदि का खतरा बढ़ जाता है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको मोटापा कम करने के प्राकृतिक उपाय बताएंगे, साथ में कैसे मोटापे को कंट्रोल करें ये भी बताएंगे। अगर मोटापे से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अभय हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभय एम शंकर गौड़ा। इनसे आज हम सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि मोटापे से जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। डॉक्टर अभय एम शंकर गौड़ा, अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो आप इनसे जवाब ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं, और तो और आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे आप इसको कम कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। फोन करके जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब यहां पर आपको दिया जाएगा। तो खास पेशकश में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अभय हमारे साथ। बहुत स्वागत है डॉक्टर अभय जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद जी। सर, सबसे पहले यही हम जानना चाहते हैं कि कैसे जो प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए हम स्वस्थ रह सकते हैं, जो मोटापे का इलाज है वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो है प्रकृति के नियमों के अनुसार है, और योग चिकित्सा तो आप जानते ही हो कि हमारे देश का एक बहुत पुराना संस्कृति है, जो एक लाइफ साइंस है जी, जो जीवन शैली है। तो इन दोनों से जो हम सीख सकते हैं कि थोड़ा डिस्टर्बेंस है, शायद कोई और वीडियो हो रहा है। जो ये जीवन शैली है, जीवन शैली जो है प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा का जीवन शैली से हम ना ही ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी यानी मोटापन या फिर अधिक हमारा वेट है बढ़ जाने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं जी, अलावा बाकी बहुत सारे रोगों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मोटापा और जो ओवरवेट बोलते हैं या जो ओबेसिटी बोलते हैं, इसको ठीक करने के लिए प्रकृति चिकित्सा और योग चिकित्सा एक बहुत ही लाभदायक चिकित्सा है। और ये चिकित्सा जो है बिल्कुल सरल और बिल्कुल नेचुरल तरीका है। जो भी आप दूसरे टेक्निक्स अपनाओगे उसमें वापस आपका वेट वापस आ सकता है, लेकिन जीवन शैली को ही अगर हम बदल दें और जीवन शैली में हमारी बदल हो जाए तो उससे उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ये लाइफस्टाइल को ही हम बदल के नेचुरोपैथी और योगिक चिकित्सा या योगा थेरेपी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर साहब। मोटापे का कारण क्या होता है ये हम जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अनुवांशिक भी होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल के जरिए होता है ये तो आपने हमें बताया, लेकिन अनुवांशिक तरीके से कैसा मोटापा जो है आ सकता है, मतलब पेरेंटल इफेक्ट इसका कितना पड़ सकता है सर?
जेनेटिक और अनुवंशिक जो आप बोल रहे हैं, ये कुछ ही परसेंटेज में ऐसा हो सकता है कि वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचे, लेकिन हमारी जीवन शैली जो है, जो हमारी रहन सहन है, जो हमारी एक्सरसाइज लेवल्स है, जो हमारी डाइट डाइट का जो हमारा रीति है, उसको हम अगर बदल दें, तो इवन हम ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन जो बोलते हैं, जोनोटिक प्रिडिस्पोजिशन जो बोलते हैं, उसको भी हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है कि एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी वैसे ही रहे। मोटापे को हम पहले तो सबसे पहले हम क्यों हो रहे हैं मोटापा, ये हमें समझना होगा। जैसे पुराने जमाने में अगर किसी को आहार लेना था तो उसको मेहनत करना पड़ता था। मान लीजिए वो जंगल में जाता था, वो खेतों में जाता था, वो मेहनत करता था और अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता था। आजकल ऐसा नहीं है, हम लिफ्ट से जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद हमारे मार्केट या सुपर मार्केट में आराम से मिल जाता है और हम ले के उसको आ जाते हैं खाना, या हमारे पास सिर्फ पैसे की जरूरत है, बाकी जो हमारा काम का तरीका है वो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। हम कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादातर लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी है नहीं हमारे लाइफस्टाइल में, तो इस वजह से मोटापा जो है बहुत ज्यादा अधिक बढ़ रहा है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज भारत देश मोटापे के टॉप लिस्ट में है वर्ल्ड में, एंड हाईएस्ट इंक्रीजिंग डिजीज जो है वो मोटापा है। बिल्कुल डॉक्टर अभय, आपने बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात की, और हम चाहते हैं जो हमारे दर्शक हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जागरूक हों, हमारे साथ जुड़े और जाने कि इसके कारण क्या है, कैसे आप समाधान कर सकते हैं इस समस्या का, क्योंकि आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत बड़ी समस्या ये हो चुकी है युवाओं में, बच्चों में ओबेसिटी के वो शिकार हो जाते हैं, तो कैसे आयुर्वेद के माध्यम से हम इसका निराकरण कर सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या में लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर अभय, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी खान पान में क्या हमें परहेज करना चाहिए, किस तरीके से जो अपना लाइफस्टाइल का पूरा शेड्यूल है खाने पीने का, उसको हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसमें बदलाव लाएं। बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क जितना है उतना ही हमें खाना चाहिए। आजकल क्या हो गया, टाइम हो गया इसलिए हम खा रहे हैं, नाश्ते का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, इसलिए टाइम देख के हम खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली टाइम देख के खाना जो है ये गलत है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितना है, हमारी जो बैठ के काम करने वाला जो स्थिति है वो कितना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो बोलते हैं वो कितना है, उसके हिसाब से हमारा खाना होना चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम हो गया। एक तो जो खाना हम खा रहे हैं, जो हम द क्वालिटी ऑफ फूड जो हम खा रहे हैं उसके तरफ से भी हमें ख्याल रखना होगा। दूसरी चीज, हमें फिजिकल एक्टिविटी, अगर मान लीजिए हम बैठ के काम करने वाले ही हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या जो भी दिन भर कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के करने वाले काम करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ समय अपने लिए, यानी कि एक घंटे के समय या आधे घंटे के समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें अपना रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले तो ये। दूसरा, एक आपको आश्चर्य की चीज मैं बता दूं कि मानसिक तनाव जो है, मानसिक तनाव इतना ही प्रबल इफेक्ट देता है ओबेसिटी के लिए, जैसे कि इमोशनल आउटकम्स जो है, जैसे मान लीजिए हम आज गुस्सा है किसी या हम दुखी हैं किसी, तो हम खाना ज्यादा खाएंगे। ये पाया गया है साइंटिफिक स्टडीज में कि हम बीन ड्रिंकिंग करते हैं या इमोशनल स्ट्रेस आउट करने के लिए हम ज्यादा खाते हैं, तो इस वजह से जो है मानसिक तनाव भी जो है वो बहुत ही बड़ा कारण है, बड़ा कारण है आजकल की दुनिया में। तो इस वजह से हमें ये भी देखना है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, और अगर स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने से इनडायरेक्टली ओबेसिटी या मोटापे से बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट मिलेंगे हमें। तो बेसिकली हमें अपने खाने की तरफ, हमें एक्सरसाइज की तरफ और हमारे स्ट्रेस की तरफ।
ये तीन चीजें हैं जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगते हैं कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान देना। बिल्कुल डॉक्टर आबे, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने समझाई और दर्शकों को भी यकीनन ये बातें स्पष्ट हो रही होंगी कि कितना इम्पोर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे खान पीन की दिनचर्या है, हमें कैसे उसको मेंटेन रखना है, अपने आप को फिट एंड फाइन हमें कैसे रखना है। स्वास्थ्य को लेकर हम कोई भी आनाकानी लापरवाही नहीं कर सकते। आयुर्वेद के जरिए आप मोटापे से निजात पा सकते हैं। आप सभी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर अभय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं मोटापे के कारण क्या है, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दर्शकों का कोई भी कार्यक्रम है तो टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कीजिए और उसके बाद जो भी आपका सवाल है आयुष्मान को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, जरूर हमारे साथ जुड़कर पूछिए। डॉक्टर अभय, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, और आजकल बड़ा चलन में है मोटापा दूर करने के लिए, हम देखते हैं आजकल लोग डाइटिंग का बहुत सहारा ले रहे हैं, कोई क्रैश डाइटिंग कर रहा है, कोई कीटो डाइटिंग करता है, अलग अलग तरह की डाइटिंग्स का चलन है इस वक्त। खासतौर पर युवाओं की जब हम बात करें तो वो डाइटिंग को शॉर्टकट समझते हैं कि पतला होने का सबसे सही और सटीक रास्ता है कि आप अपने खाने में कट डाउन कर लो। कितना सही कितना गलत आप मानते हैं इसको? एब्सोल्युटली, डाइटिंग बहुत ही जरूरी है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, बहुत ही जरूरी है हमें सोचना। एक तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि हम सेकेंडरी लाइफस्टाइल है हमारा, तो एक्सरसाइज तो एक पार्ट है, लेकिन अगर एक्सरसाइज अकेला करते हैं तो काफी नहीं है, हमें सही डाइट भी करना बहुत जरूरी है। वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ सैलड, फ्रूट्स लेना बहुत जरूरी है। डिवाइडेड मील, स्मॉल मील, यानी कि हम छोटे छोटे मील्स ले, चाहे वो 6 बार ले दिन में, जैसे हम नॉर्मल जो खाते हैं वो 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो हम अगर इसको स्प्लिट कर दें, इसी ब्रेकफास्ट और इसी लंच को और इसी डिनर को दो दो भाग में, जैसे हम 2 रोटी एक साथ खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो उसको स्प्लिट करके अगर हम 11 बजे एक और रोटी खा ले तो डिवाइडेड मील हो जाएगा। वो जो 1 बजे का लंच है उसको हम स्प्लिट करके 4 बजे ले लें, तो इस तरह से अगर हम 6 मील कर लेते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक रहेगा इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए, जो हम बैठ के काम करते हैं उसके लिए, कंप्यूटर पे काम करते हैं उसके लिए, जो ज्यादा भागदौड़ नहीं होता, जो फिजिकल एक्सरसाइज कम होता है, उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो डिवाइडेड मील, स्मॉल मील रहें। बिल्कुल, ना कि मील को स्किप करें, जैसे कुछ लोग करते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, मैंने लंच स्किप कर दिया, मैंने डिनर स्किप कर दिया, ये गलत तरीका है पहले तो ये। दूसरा, ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, ज्यादा सैलड, ज्यादा फ्रूट्स अगर हम लेते हैं तो बहुत ही लाभदायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और एक है कि हम 3 से 4 लीटर पानी रोज पिए, जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगा और वेट रिडक्शन के लिए जो जरूरी है, एसिड रेगुलेशन जो है हमारे स्टमक का, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। हफ्ते में एक दिन अगर हम सिर्फ फ्रूट जूस से फास्टिंग करें, फास्टिंग थेरेपी, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, इवन कैंसर के लिए बहुत अच्छा माना गया है, वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, हार्ट डिसीजेस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो उपवास चिकित्सा जो बोलते हैं, मान लीजिए हफ्ते में एक दिन हमने कुछ नहीं खाया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलरली उसको मेंटेन करें। इवन 2 से 3 दिन तक सिर्फ फ्रूट जूस से रह के फास्टिंग करना जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन उसको ब्रेक करने का तरीका, जो उसको नॉर्मल फूड के व्हाट यू कॉल कन्वर्जन में आफ्टर 2-3 डे जो है उसको सही तरह से अगर हमें करना आता है तो बहुत ही लाभदायक है। बेस्ट है कि हम एक नेचुरोपैथी योगा डॉक्टर, जो BNYS डिग्री धारक है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज जो है, वो इसके एक्सपर्ट होते हैं, फास्टिंग थेरेपी के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप सलाह मांगे तो बहुत ही लाभदायक है। जैसे मैं यहाँ अभी स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में हूँ, नेचुरोपैथी योगा कॉलेज का हेड हूँ, तो यहाँ पे जो हम पेशेंट्स को कराते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही लाभदायक है कि हम फास्टिंग थेरेपी कराएं। उसके अलावा मालिश चिकित्सा होता है, वो ओबेसिटी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। 3 बार, 10 बार जैसे स्पा में जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट्स बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके अलावा योग चिकित्सा जो है बहुत ही लाभदायक होता है। योगी, देखिए योग को हम गलत समझते हैं कि सिर्फ आसन करना है, इसके अलावा स्ट्रेस को कम करने के लिए भी योग बहुत ही लाभदायक होता है। तो आसन हो गया, मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गए, ये भी सब बहुत ही लाभदायक होते हैं वेट रिडक्शन के।
बिल्कुल, बड़ी इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर अभय आपने बताई है। अब जरा ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक हमने ये तो आपसे जान लिया है कि कैसे प्राकृतिक तरीके से मोटापा नियंत्रण में किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब मोटापे के कारण क्या दूसरी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, मसलन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी न जाने कितनी तरह की बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती है? एब्सोल्युटली, अगर आप देखें कि जिसको मोटापा है उसको साथ साथ में ये सारे रोग जो हैं वो आ सकते हैं। इसको साइंस ने नया नाम दिया है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये बहुत ही अभी चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि बेसिकली आपको समझना चाहिए कि मोटापे के कारण हाई फैट बढ़ने से है, हाई फैट बढ़ने से हार्ट डिजीज हो सकता है, और डायबिटीज जो है वो जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाता है तो हमारा इंसुलिन है वो इंसुलिन काफी नहीं होता, जो हमारा टोटल बॉडी का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इस वजह से एब्सोल्युटली जो वेट का इफेक्ट है वो शुगर लेवल्स पे पड़ता है, और डायबिटिक बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो भी सारे डिसीजेस हैं ओबेसिटी से या मोटापे से, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जैसे घुटनों के दर्द हो गए हैं। वेट ज्यादा जब होता है तो प्रेशर गिरता है घुटनों पे, एंकल्स पे, हिप पे, तो हमारे पेशी पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैं अभी बता रहा था कि टोटल सरफेस एरिया जब चेंज हो जाता है तो डायबिटीज का वोटिकॉल रिस्क रहता है। हार्ट डिजीज डेफिनेटली, ओबेसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। जो भी ये हार्ट डिजीज के जो प्रीकर्सर्स हैं वो सब मोटापे के कारण होते हैं। तो इस वजह से मोटापा जो है उसको अगर हम कंट्रोल कर लें, ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें, तो हम ना कि हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, बट ऑल्सो जो हमारा व्हाट यू कॉल हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, इनको भी हम रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके छोटी छोटी आदतों में तब्दीलियां लाकर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, मोटापे से हम दूर रह सकते हैं, और प्राकृतिक तरीके से कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, ये भी हमने जाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभय आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। फिलहाल आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरोग्यं धनसंपदा लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा।